छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुख्यालय में रायपुर लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने अपने बयान में कहा है कि जब से राज्य बना है हमें यहां अच्छी सफलता नहीं मिली। इस बार मेरे पास सभी लोकसभा क्षेत्रों से फीडबैक है। इस बार लोकसभा चुनाव में लोग हमें आशीर्वाद देने वाले हैं। लोकसभा की अधिकांश सीटों पर हम जीत दर्ज करेंगे। कोई क्या बोल रहा है मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं कि 11 लोकसभा सीट हैं और जब से राज्य बना है हम लोगों को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली है, लेकिन इस बार जो फीडबैक मुझे मिला है मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, जनता माई बाप है, जनता जनार्दन है, पब्लिक का सपोर्ट हमको मिलेगा और पहले से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहेगा। जो सबसे उपयुक्त उम्मीदवार होगा वो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार होगा, पूरी पार्टी ताकत के साथ उसके पीछे खड़ी रहेगी जो भी पार्टी अकेले करेगी उम्मीदवार। हम किसी डरने वाले नहीं है, या आप आरोप लगा रहे हैं, केस कर रहे हैं, FIR कर रहे हैं, चार्जशीट कर रहे हैं, तो ये सब प्रतिशोध की भावना से निकले हुए काम है। और भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन बॉन्ड्स के माध्यम से जो व्यापक भ्रष्टाचार किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध घोषित किया, वो हजारों करोड़ रुपए भाजपा के खाते में है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसकी जांच होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ना बोलता तो खुलासा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट अगर चंडीगढ़ के चुनाव में इंटरव्यू नहीं करता न्याय नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन बॉन्ड्स को इलीगल डिक्लेयर नहीं करता तो प्रकाशन नहीं होता तथ्यों का। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत कुछ कर रहा है जिसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन भाजपा को अपने गिरबान में झांककर देखना चाहिए कि वो कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं।